उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 वर्षों में देश की दिशा और दशा बदलने का काम किया है। आज हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं और आज पूरी दुनिया भारत के विकास की तेज गति को देख रही है। केंद्र सरकार के सहयोग से मुंबई में कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो महाराष्ट्र को आगे भी बढ़ा रहे हैं। महायुति सरकार की योजनाएं भी जरूरतमंदों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज आपके एक वोट की शक्ति से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने पिछले दस वर्षों में देश की दशा और दिशा बदलने का काम किया है। आज भारत दुनिया का सिरमौर भारत बन चुका है। आज भारत दुनिया का दिशा देने वाला भारत बन चुका है। पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था होती थी और आज हम उन अंग्रेजों को पछाड़कर हम आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं दुनिया की, जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक हमारे ऊपर शासन किया था। आज अगर मैं विकास की बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हाई स्पीड ट्रेनें हो, मेट्रो ट्रेनें हो, रेल हो, विश्व स्तरीय एक्सप्रेस वे हो, रोड का नेटवर्क हो, आज दुनिया भी भारत की तेज गति से होती हुई प्रगति को देखकर आश्चर्यचकित है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और डबल इंजन की सरकार द्वारा अगर मैं मुंबई की बात करूं तो इसको अत्याधुनिक शहर बनाने में कई ऐतिहासिक प्रोजेक्ट्स आज भी किए जा रहे हैं, आज भी धरातल पर उतारे जा रहे हैं। अगर मैं कहूं तो यहां 18,000 करोड़ रुपए की लागत से सबसे लंबी समुद्री सेतु के रूप में अटल सेतु का निर्माण हुआ है, साथ ही 14,000 करोड़ रुपए की लागत से कोस्टल रोड परियोजना बनी है। इन दोनों परियोजनाओं के माध्यम से मुंबई ठाणे और यहां के उपनगरों की जो ट्रैफिक की समस्या है वो बहुत आसान हो जाएगी और उसके कारण से जो जाम इत्यादि की समस्या है उसका भी समाधान होगा, लोगों का आवागमन सरल होगा। ऐसे अनेक काम हैं, मैं उस पर जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इतना ही कह सकता हूं कि केंद्र सरकार के सहयोग से यहां पर चाहे नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनना हो, बार बार हम लोग आते हैं, हवाई जहाज ऊपर ऊपर घूमता रहता है।